नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज बात करेंगे एक ऐसे उपाय की जिससे कि आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी, धन से जुड़ी हुई हर तरह की समस्या चमत्कारी रूप से खत्म होंगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे जिस धन की समस्या से सालों साल लग गए हैं आपको निकलने में, चाहे वह कर्जा है, चाहे आपकी कमाई है, चाहे आपकी नौकरी है। धन से संबंधित कोई भी परेशानी जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही है और कितना समय गुजर चुका है उससे निजात पाने के लिए, लेकिन आपको वो उसका हल नहीं मिल पा रहा है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं अच्छे से, या पैसा आ भी रहा है तो बरकत नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ भी धन की समस्या अगर आपके जीवन में है तो वो पूरी तरीके से इस उपाय के बाद आप खुद नोट कीजिएगा ये खत्म होने वाली है। इसके साथ साथ ये जो उपाय है ये आपके जीवन में धन के क्षेत्र में आपको तरक्की देता है, धन के क्षेत्र के सभी मार्ग खोल देता है आपके लिए, आपके व्यापार में आपको तरक्की दिखती है। अगर आप कहीं नौकरी लग रहे हैं तो उसके अलावा भी आप कोई अपना बिजनेस खोल सकते हैं, आप धन के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे लाभ कमा सकते हैं। आपका अगर काम नहीं चल रहा है, अपना काम है, अपना बिजनेस है, तो उसमें आप बड़ी अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है। तो अगर आप कहीं किसी के अंडर भी काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी क्षमता अनुसार आप देखेंगे कि जितनी आपको सैलरी चाहिए आप सोचते थे कितनी मेरी सैलरी हो जाए, और यकीनन आपकी उतनी सैलरी होकर रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि खूब तरक्की कमाएं और धन के क्षेत्र में आप खूब नाम रोशन करना चाहते हैं, धन के क्षेत्र में खूब पैसे कमाना चाहते हैं, पैसों का शौक है, सपनों का शौक है, मनोकामनाओं को पूरी करने का शौक है, लग्जरी लाइफ जीने का शौक है, तो ये उपाय आप लोगों के लिए ही है। ये जो उपाय है ये आपने शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार का दिन के लिए धन के उपाय किए जाते हैं क्योंकि शुक्रवार का दिन जो होता है वह शुक्र ग्रह से यानी कि माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ होता है, और शुक्र ग्रह का मतलब होता है कि आपने धन कमाया है, आपको धन की अपार प्राप्ति होना, क्योंकि उस दिन जो ये दिन जुड़ा हुआ है ये माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन आपने क्या रखना है अपने पास, क्या उपाय करना है? शुक्रवार के दिन आपने कुबेर यंत्र को अपने पास रखना है। कुबेर यंत्र आपको आराम से कहीं से भी अगर आप पता करें आपको मिल जाएगा, रत्नों की शॉप से मिल जाएगा, जहाँ स्टोन्स वगैरह पाए जाते हैं वहां पर भी मिल जाएगा। तो दो कुबेर यंत्र छोटे साइज के, बिल्कुल छोटे साइज के दो कुबेर यंत्र लेने हैं आपने, शुक्रवार के दिन ही खरीदने हैं और शुक्रवार के दिन ही रखने हैं। तो सुबह सुबह आप इसे खरीदें 10-11 बजे तक, और 1 या 2 बजे तक इसे स्थापित कर ले, रख ले। अब आपने इसे कहाँ रखना है? कुबेर यंत्र जब भी खरीदने जाए तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्नान करने के बाद ही जाए। तो आपने क्या करना है, और अपने साथ एक लेडी को जरूर लेकर जाए, चाहे आपकी माता जी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बेटी हो। तो आपने क्या करना है, जब इसे रखना है तब भी ये आपके साथ कोई लेडी होनी चाहिए, आपकी अपनी, आपकी माताजी, बहन, सिस्टर या वाइफ। तो आपने इसे अपनी तिजोरी में रखना है, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे आपने अपनी तिजोरी में रख देना है। छोटे सा लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं इसे, कुबेर यंत्र भी बोलते हैं, तो आपने कुबेर यंत्र रख लेना है और इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। और जो दूसरा कुबेर यंत्र होगा, एक और दो लेने हैं, एक तो आपने तिजोरी में रख लिया और दूसरा कुबेर यंत्र को अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रखना है, जहाँ पे अपने पैसे या कार्ड रखते हैं। देखिए आजकल जो लोग हैं वो अपने पर्स में कम ही पैसे रखते हैं, आपने सुना होगा कहते हैं कि हम अपने पर्स में कैरी कैश नहीं कैरी करते हैं, हम अपने वॉलेट में कार्ड रखते हैं। तो देखिए कार्ड भी वही चीज़ है, कार्ड से ही पैसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूप में आपके वॉलेट में ही है वो चीज़ जो आपको धन दे रही है। तो आपने उसी में छोटा सा कुबेर यंत्र रख देना है, चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, आपने शुक्रवार के दिन ये चीज करनी है। और आप देखेंगे ये जो कुबेर यंत्र है इन्हें धन के देवता कहा जाता है, तो धन के देवता को ही जब आपने अपने पास रखा हुआ है संभाल कर, तो आपके पास धन आएगा ही आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा, और धन को आकर्षित करेंगे, तरक्की पाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब 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 धन आएगा, और आप यकीन नहीं करेंगे इतना धन इतने कम समय में आ जाएगा, इतनी बरकत होगी और धन से संबंधित परेशानियां भी आपकी खत्म होंगी। अगर आपने वॉलेट में रखा है यंत्र तो वॉलेट को हमेशा साफ सुथरा रखें, ये भी ध्यान रखें, कोई कटे फटे पुराने बिल्स वगैरह मत रखें, वॉलेट को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा भी कुछ घर से जुड़े हुए वास्तु भी होते हैं जो हमारे घर में बरकत आने को रोकते हैं, जैसे कि अपने मेन गेट के आसपास चप्पल वगैरह ना रखें, घर में टूटा हुआ कांच, घर में बंद घड़ी, घर में उल्टा झाड़ू, खड़ा किया हुआ झाड़ू, ये सब रखना भी वास्तु को खराब करता है, जो माँ लक्ष्मी को आपके घर आने से, प्रवेश करने से रोकता है। तो इन चीजों का भी खास ध्यान रखें।
तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।